हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में। एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है? एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें कि कैरियर का एंगल मैसेज के अनुसार वैरी करते रहता है। हम लोग देखते हैं सीटी एक कैरियर सिग्नल है और एमटी एक मैसेज सिग्नल है। तो सीटी इज इक्वल टू एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी फाई या ओमेगा सी टी फाई। तो ये जो टोटल 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई है, ये कैरियर का एंगल है। ये अगर वैरी करते रहता है मैसेज के अनुसार, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या हुआ कि एंगल मॉड्यूलेशन हुआ। तो एंगल मॉड्यूलेशन हुआ, अगर कैरियर का एंगल में से केवल फ्रीक्वेंसी, कैरियर का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, तो उसको किसके अनुसार, इसके अनुसार, मैसेज के अनुसार, तब उसको बोलेंगे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है। और अगर कैरियर का फेज, ये टोटल फेज ही, जो कैरियर का टोटल एंगल ही अगर वेरी कर रहा है इसके अनुसार, तो उसको बोलेंगे हम लोग फेज मॉड्यूलेशन हुआ। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि से एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर का फेज वेरी कर रहा है किसके अनुसार, एम्पलीट्यूड मैसेज के अनुसार, मैसेज के एम्पलीट्यूड के अनुसार, जबकि कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग जानते हैं एक चीज़, एक ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज़। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इंटू टी इजिकल टू होता है एंगल, मतलब ओमेगा इंटू टी इजिकल टू होता है एंगल। तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालना, मतलब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ओमेगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी। तो जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंस्टेंटेनियस का मतलब कम समय के लिए अगर हमको एंगल चेंज करें तो क्या हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस समय हम देख रहे हैं कम समय के लिए एंगल चेंज करें तो उस समय हमारा फ्रीक्वेंसी का रेट जो होगा ओमेगा आई होगा, जिसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ये हो गया इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इसको याद रखना है। और अगर हमको इंस्टेंटेनियस एंगल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसके साथ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टी टाइम तक ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगल निकल जाएगा। इसका हम यूज करेंगे फेज मॉड्यूलेशन में और इसका यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफ आई या ओमेगा आई का। तो फेज, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है कैरियर सिग्नल का, वो वैरी करते रहता है किसके अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार। अब कैरियर सिग्नल है सी टी, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव, फेज जो लीडिंग या लैगिंग फेज है। तो यहाँ अगर ओमेगा सी वेरी कर रहा है किसके अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार, तो हम लोग बोलेंगे उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। हम एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि म्यू का वैल्यू क्या होता है, जीरो अगर डाल देंगे हम लोग, जो एम पढ़ते थे उसमें अगर म्यू का वैल्यू जीरो डाल देते तो हमारा जो पावर हो जाता है वो मिल जाता है एफ एम का, क्योंकि यहाँ केवल ए सी स्क्वायर बाई टू ही है, दूसरा कोई कंपोनेंट है नहीं। तो एम्पलीट्यूड में इसका ए सी है, तो ए सी स्क्वायर को 2 कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक एफ एम का टोटल पावर आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ कि जो कैरियर होता है वो बिना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, हमारा जो है कैरियर है एफ सी, और मॉड्यूलेट कर दिए, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किए, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ये एफ आई हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी एफ एम का। तो एफ एम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि कैरियर में, एफ सी में हमको क्या करना है, कैरियर चूंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी में, कैरियर के फ्रीक्वेंसी में मैसेज को डालना है ताकि इसके अनुसार ये वैरी करे और टोटल हमारा ये वैरिड सिग्नल, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये होगा। मतलब एफ एम में मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये होगा एफ आई, और एफ सी क्या हो, कैरियर सिग्नल है, और कैरियर सिग्नल के साथ मैसेज सिग्नल ऐड करते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। के एफ क्या होता है, इसके अनुसार ये एक लगाते हैं, ये एक सेंसिटिविटी कांस्टेंट है एफ एम का, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, जिसका कि यूनिट होता है हर्ट्ज पर वोल्ट, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम छोटा सा बना हुआ है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज सिग्नल है वो अगर लोकल ऑसिलेटर के साथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में आता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या करता है, केवल इसका फ्रीक्वेंसी में इसका मैसेज को ऐड कर देता है, तो हमारा क्या निकल मिल जाता है, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल जाता है, मतलब एफएम मिल जाता है, ठीक ना। तो फाइनली हमको क्या होगा, एफएम का एक्सप्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगा उसमें एफ सी प्लस के एफ इंटू एम टी रखना पड़ेगा, तब हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। अब क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी डेविएशन एक टर्म होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन के हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी एफ एम में क्या होगा, एफ आई इजकल टू एफ सी प्लस के एफ इंटू एम टी। के एफ इंटू एम टी कैसा है वहाँ बताएं, तो इसको इधर ले जाएंगे, मतलब एफ आई में से जब एफ सी को हम घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बचता है क्या, के एफ इंटू एम टी, ये हमारा जो होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा। अब एम टी का जैसा जैसा वैल्यू रहेगा, अगर एम टी एम कॉस ओमेगा
एम टी है और कॉस का वैल्यू मैक्सिमम डालेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, और मिनिमम डालेंगे कॉस का वैल्यू -1 तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा। तो उसी तरह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या होगा, ये इसमें एफ आई में एफ सी प्लस यहाँ एम टी जो होगा कॉस के टर्म में रहता है, तो कॉस का जब मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा के एफ इंटू एम, और मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो माइनस में आ जाएगा -1 तो ये हो जाएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे आया है फ्रीक्वेंसी उसका जो मॉड्यूलेशन करेंगे वो हो गया मैक्सिमम, इसका जो मॉड निकलेगा मतलब इसका जो कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो कि ये है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है, एफ सी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ है, एफ सी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है ना। कैरियर फ्रीक्वेंसी के बाद एफ एम एफ मैक्सिमम, तो बीच में इसका डेविएशन है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में जब डेविएशन जोड़ देंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और कैरियर फ्रीक्वेंसी में जब डेविएशन माइनस कर देंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को जब माइनस कर देंगे तो डेविएशन 2 का मिल जाएगा, तो 2 × ∆f, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी स्विंग है ना, फ्रीक्वेंसी स्विंग एफ एम इसी को बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 2 × ∆f। अब देखो कोई मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है, तो इसमें क्या होगा कि इस ये इसके अनुसार वेरी कर रहा है, तो देखते हैं जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मैसेज सिग्नल का वहाँ इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जहाँ कम है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो ये देखिए ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मैसेज के अनुसार इसको वेरी करना, और यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड लो है, उसी तरह ज़्यादा है फिर तो ज़्यादा हो गया और कम हो गया तो कम हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ। ओके धन्यवाद।